So we read that 164 pages very clearly. And if you come to the doctor's opinion, the doctor says alcoholic men and women essentially drank because of the effect it produced. You have to watch the word very clearly. He never said the intoxication it produced, the effect it produced. What is the effect it produced to an alcoholic? And he says, the alcoholic is restless, irritable and discontent until otherwise he can experience the peace and ease which comes at once by having a few drinks. I mean, what the answer is, suniye, मैं किसके लिए पी रहा हूं? शांत के लिए पी रहा हूं. अगर नहीं पिया तो मेरे को अशांत है, खालीपन है, डर है, एंग्जाइटी है. तो दारू इसलिए मैं पी रहा हूं मेरे को एक जगह पहुंचने का. किधर पहुंचने का? जहां मेरे को शांत मिल रहा है. अगर समझो बिना दारू मैं उस जगह लेके जाऊं फिर दारू का जरूरत नहीं है. The place you want to go is that peace and ease. If you analyze very carefully, can anybody tell me when you ever drank happily in life? Ek bar alcoholic ho ke kisi ne khushi se piya? Honestly tell me. Did anybody enjoy the taste? We drank because we had problem living, we wanted peace. We wanted peace and ease from this existence. What we had was two problems, thinking problem, living problem. This thinking problem, living problem cannot get solved by just stopping drinking. You have to change your way of thinking, which will eventually change your way of living. And that is why we call this a design for living. Taki mera design achha nahi tha. मैं डिजाइन बना पहले, दारू पीने का टाइम पे आर्क वेल्डर लिया, ये लिया, वो लिया, लोहा लेके आया, ऐसे 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 कुछ कर रहा हूं, ईफिल टावर बना रहा हूं बोल के. एक 20 साल के बाद देख रहा हूं खुद का पिंजरा बना दिया और मैं बाहर नहीं आ सकता. आई मेड ए केज फॉर माई सेल्फ एंड आई कुड नॉट कम आउट ऑफ द केज. आई एम ट्रैप्ड नाउ. So we understand very clearly why we are drinking. We are not drinking for alcohol is tasting well. Or social reason. ऐसे नहीं हमको रोटरी क्लब में बुलाया, उधर जाके दो पैक पी के हमने गांधी जी के बारे में बात किया या देश के बारे में बात किया. नहीं, हमारा पुराना कॉलेज में बुलाया हमको ताकि हम बहुत बड़ा सीईओ हो इसलिए बुलाया. दारू पीने का टाइम पे हम कैसे बैठ के पी रहे थे? अकेले बैठ के पी रहे थे, बाथरूम में पी रहे थे, छुपा के पी रहे थे, बॉटल से क्वार्टर ऐसे पी रहे थे. सोशल ड्रिंकर नहीं करता ऐसे. और सोशल ड्रिंकर को बोलो छोड़ो दारू, वो पूछेगा क्यों छोड़ने का? उसको तकलीफ ही नहीं है. और अल्कोहलिक को पूछो छोड़ो, वो पूछेगा क्यों छोड़ने का? इसको तकलीफ मालूम नहीं है. इतना ही फर्क है. इसको मालूम नहीं क्या तकलीफ है. मैं दारू पी रहा हूं, तुम्हारा तकलीफ क्या है यार? क्या तकलीफ है बताओ ना. ठीक है, कल लो सास को ऐसे बात किया, वो चला गया गांव. हाँ, उस दिन उसका घर जाके गड्डी बजाया, करेक्ट है. अरे मेरा गलती नहीं, वो मैं गलती से उसका कुत्ता को काट दिया. अजीब अजीब होता है. मैं सीधा जा रहा था, वो पुलिस वाला पकड़ के गया. मैं कुछ नहीं कर रहा था यार. तो भगवान के ऊपर गुस्सा है हमको. देखो ऐसे मतलब जो कर उसको पैसे दिया, हार्ड वर्कर हूं मैं, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहे. सबके पास कुडनेस था. तो अल्कोहलिक का और बड़ा ब्रेन में क्या रॉन्ग वायरिंग है, मैं करेक्ट हूं और पूरा दुनिया गलत है. तो उसके साथ ज्यादा बात नहीं कर सकते. बात करने से मालूम है, सब मालूम है मेरे को. अभी वो क्या सुनेगा यार?
एक चीज देखो, दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, जिंदगी क्या चलेंगे हम? सच में सोचो, अरे डेली दारू पी के गाड़ी भी चलाए, जिंदगी भी चलाए, और दोनों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 90% अल्कोहलिक रिकवर नहीं होता है, ये नहीं आता है वो लोग, जैसे वो मैं बताया ना रबड़ी जैसे, ये नहीं आता हूं मैं, पसंद नहीं मेरे को। कभी आया तुमने? नहीं, नहीं आऊंगा। तो मन के अंदर वो ज्ञानी ने डिसाइड कर दिया, ये मेरे को काम नहीं करेगा। क्यों? मेरे को मालूम है रे, नहीं करेगा। वो स्टेप्स गिप्स कुछ है मालूम है, वो बिग बुक बिल डब्ल्यू सब मालूम है मेरे को। आप लोग बैठ के बात करते, मैं बैठा इधर गिरा उधर गिरा, सब मालूम है। मैं एक मीटिंग आया, एक मीटिंग से उसको पता हो गया पूरा, ये अल्कोहलिज्म क्या है, अल्कोहलिक्स क्या है, सब जिस्ट आ गया उसका सारांश। तो उससे क्या बात कर सकते हैं? यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग टू हिम। अनदर प्रॉब्लम विद एन अल्कोहलिक इज उसका सीक्रेट लाइफ है। सीक्रेट लाइफ मतलब एक आम आदमी का लाइफ ले लेंगे, एक अल्कोहलिक का, ठीक है? एक आम आदमी का सोचो, कुछ फ्लैट ले रहे, वो बिल्डर से लेटर आता है, आपका लास्ट दो पेमेंट नहीं आया, आप आके करने का, वरना रजिस्ट्रेशन में तकलीफ होगा। अगर आम आदमी है तो तुरंत वाइफ को दिखाएगा, ऐसे ऐसे हो गया, तो दोनों बैठ के एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और 10 रिलेटिव्स को फोन करेंगे, वाइफ ने उसका फादर को फोन करेगा, शाम तक 15-20 लोग बताएगा, चिंता मत करो बेटा, हम सब करके कुछ कर देंगे। यही लेटर अल्कोहलिक को आया, समझो। पहले उसको छुपा देगा ताकि हमारा पूरा लाइफ है सीक्रेट, किधर जा रहे किधर नहीं बोलेंगे वाइफ को कभी नहीं। हमारा पूरा लाइफ है जेम्स बॉन्ड की तरह सीक्रेट जाने का, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो ज्यादा प्रेशर किया तो इधर जाके आता हूं। तो अंदर रखेगा, अंदर रखे कुरियर वाला को बोलेगा इस साइड आया तो। अभी उसका सोचने का, सोचने के लिए हमको बाहर चाहिए और किधर नहीं। अभी मैं जा रहा हूं सिर्फ सोचने के लिए, बाहर में जाके बैठा एक लार्ज ब्राउन, मेरे को लेटर खोलने का डर है, अभी तक खोला भी नहीं है। वो क्या है देखा भी नहीं है, मेरे बिल्डर से आया अंदर रख दिया। तो क्या वो लॉयर नोटिस है क्या, कुछ मालूम नहीं है, अंदर रख दिया। एक पैक लिया, मेरा कंसल्टेंट को बुलाया, वो मेरा दूसरा बेवड़ा है, साथ में पीता है। वो पूछता है क्या किया तुमने, लेटर आया, क्या किया तुमने, पैकेट में रख के बाहर में आ गया, शाबाश बराबर किया, मैं आ रहा हूं ठहरो। उसके घर में बीरी पूछ रहे किधर जा रहे, अभी आ रहा हूं, बताएगा नहीं। इधर सीधा आया, ये भी लिया, लेटर खोला, उसमें कुछ नहीं लिखा है, सेम लिखा है दो पेमेंट आपका बाकी है, आप नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन तकलीफ होगा। तो दोस्त एक पैक पी रहा है, ये बिल्डर कौन मालूम है? हाँ? कुछ नहीं, चपरासी था, इधर था, मैं उसको टिप्स दे रहा था, अब बड़ा बिल्डर हो गया और नेट टेक्स भेज रहा है, उसका नंबर दे मेरे को, मैं बात करता हूं उससे। तो ये बोलता है यार तुम ठीक कर देगा ना, ये तुम नंबर दे फिर देखो। वो नंबर लिया, उसको फोन किया और गाली दिया उसको, कोई क्या सोचा उसको, मेरा बाय है, बंद कर दूंगा पूरा प्रोजेक्ट, मालूम है उधर जा रहा है इधर जा रहा है सब मालूम है मेरे को। वो उधर से बोल रहा है आप कौन है भाई साहब बोल के, मालूम ही नहीं, वो बार बार बोल रहे। उधर बिल्डर कट कर रहे, बिल्डर का असिस्टेंट पूछ रहे कौन है, मालूम नहीं कोई बेवड़ा बात कर रहा है सुबह सुबह। इधर ये आदमी पूछ रहे यार पक्का हो गया,
चिंता मत करो, तुम घर जाके सो जाओ और एक ऑर्डर ला करो लार्ज। ये मॉरल सपोर्ट दिया, ये घर जाके सो गया, ये घर चला गया। दो दिन के बाद वाइफ बोलते बिल्डर का फोन आया, किधर आया, लैंडलाइन पे आया, बोल के वो चाय बना के लिए गया, वो लैंडलाइन निकाल दिया। इसका सल्यूशन लंबा नहीं है, इमीडिएट प्रॉब्लम अभी सॉल्व करो, बाद के बाद बात करेंगे। लाइफ में हर चीज ऐसे, इधर बचने के लिए झूठ, तो इसको निकाल दिया प्लग से। वाइफ बैठ के बात कर रहे, 4:30 बजे मदर ने फोन करने के लिए बताई, फोन ही नहीं आया, एक चुपचाप बैठा है, मालूम नहीं है वो बिजी होगी, चुपचाप बैठो। तो क्या बताया बिल्डर ने, ये हुआ वो हुआ, अब जाके उसको मिलो। ये बोलता है ठीक है मैं मिलता हूं, कल जाता हूं। तो कल जाते जाते बिल्डर का मिलने का ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा दो पेग पी के जाने का, तो दो पेग पिया, उसका कंसल्टेंट को बुलाया, वो भी आया, दो पेग पिया, बिल्डिंग के नीचे तक गया। तो उसका फ्रेंड बोल रहा है, एक मिनट सुनो, घर तुम ले रहे वो ले रहे, मैं बायर हूं। वो कौन है, सेलर है, अकल है, सेलर के पास हम गए तुम्हारी इज्जत क्या होगा रे, तो घर बुला के बात करेंगे, चलो घर जाएंगे। अभी यहां तक गया, अभी क्या होता है अल्कोहलिक का फैमिली में, देखिए मैं पी रहा हूं आपका तकलीफ क्या है पूछा। अभी बीवी को सीधा फोन आ गया, तभी ऐसे ऐसे मैडम और आपका हस्बैंड ने फोन किया, उसका फोन फ्रेंड भी बात किया दारू पी के, और सुबह लग रहा ऑफिस तक आया, ऊपर नहीं आया, मालूम नहीं। अभी बीवी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेगी, ताकि उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा वो, इसका क्या है हिस्ट्री बोल के, उसको नहीं चाहिए था। अभी वो आजू वाला इर्द गिर्द उसका मदर सबसे फोन किया, तो दे गेट अ सोल्यूशन। फिर ये लोग सीधा जाके बिल्डर को मिल रहे हैं, बिल्डर देखता है हमारा कस्टमर पे उठ के आता है वो, हेलो माँ जी कैसे आप, अरे नो प्रॉब्लम, कितना पैसे है आपके पास, इतना है, बैलेंस बाद में देना। इसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन अ नॉर्मल थिंकर एंड एन अल्कोहलिक, हिज थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल। एंड द डॉक्टर सेज वी आर बॉडीली एंड मेंटली डिफरेंट, and he says an alcoholic is in his own world, after some time he cannot differentiate the true from the false. Matlab what we have is a mental condition that can be solved only spiritually, not physiologically or medically or clinically, but because it is spirituality we are not willing to believe it, because there is no concrete evidence. ye steps aise nahi lag rahe, wo aise utke dikhaya aise theek ho jayega bol ke, I am asking to do certain things which is against our very nature and our ego. So that is why many of the alcoholics do not do. And today what has happened is the fellowship, many people come to the fellowship, we are unable to give the message very clearly, because in the book page 20 or 24 it says there are hard drinkers. Hard drinkers matlab 15 20 saal se wo daru peete rehta hai. I think it is page 24. In that it says we have 1 minute. Which page? I don't know. What are you looking for? Pardon? What are you looking for? It says about the hard drinker. Types of alcoholics. 3-4 types of alcoholics. Anyway, I'll tell it out of memory. It says then we have a certain type of hard drinker who may drink for 15-20 years. It will gradually impair him physically and mentally. He may die 10-20 years before.
But this man can control, stop or moderate if given a sufficient reason. अगर वो बंदा ये आया समझो, वो बात करेगा मैं 20 साल से दारू पी रहा हूं, मेरा लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, नौकरी गया, डॉक्टर ने वार्निंग दिया. वी cannot टेक फॉर granted he's a real alcoholic. Because in the book, the next line Bill W. writes is, what about the real alcoholic? If you want to know the real description of who is a real alcoholic, if you go to the chapter to the agnostic, he says, if when you honestly want to quit, you find you cannot. You cannot quit, you cannot control, you cannot moderate. These are the three key words. कितना साल पिया, किधर पिया, वो नहीं है. If you cannot quit, quit means entirely. एक हार्ड ड्रिंकर है, एक अल्कोहलिक है. कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हार्ड ड्रिंकर घर आके बताएगा कल से मैं वैसे नहीं पीऊंगा. नहीं पिएगा वैसे, वो कम करेगा या बंद करेगा. अल्कोहलिक की बोलेगा मैं आज से नहीं पीऊंगा, नहीं पिएगा. एक महीने, दो महीने, तीन महीने, छह महीने, उसके बाद पीना ही पड़ेगा उसको. ये फर्क है. He will drink and he will die because of the disease. That's why it is called fatal. So it is very important to understand, am I a true real alcoholic? Am I a chronic alcoholic? Do I need to do the steps? So in the big book, page 52, he explains you what is alcoholism. He says, we were having trouble maintaining personal relationship. We could not control our emotional nature. We were a prey to misery and depression. Prey मतलब वो शिकार करते हैं हमारे ऊपर. कभी भी depression. We were full of fear. आधा नहीं, full. We were full of fear. We had a sense of uselessness. We could not have been help to anyone. So an alcoholic is uncomfortable in his own skin. In my own skin, I am not comfortable. अगर dress tight है तो निकाल के फेंक के दूसरा पहन सकते हैं. So something is always suffocating an alcoholic and he wants peace. And what is suffocating him? And what is our 11th step? It says, sort through prayer and meditation, improve our conscious contact with God. Conscious separation from God is the pain. Conscious contact is the solution. What each and every alcoholic is searching for is, without his knowledge, a source which will give him peace and ease, which is not found in the material world. And that is why the 12 steps cannot be understood and done. You have to do it and understand. ये समझ के करने का प्रोग्राम नहीं, करने के बाद समझ में आएगा. और पहले ये समझ के बाहर है, और समझ में आना ही ग्रेस है. और ये करने का टाइम पे बहुत पेन चाहिए. आई शुड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, बट अर्जुनास डेस्पॉन्डेंसी, मेनी पीपल आस्क व्हाट इज डेस्पॉन्डेंसी, इज कॉल्ड योगा. अर्जुनास डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, उसको योगा कैसे कर सकता है? योगा का मतलब यूज टू यूनाइट, बिकॉज pain, suffering, crisis is the first step towards spirituality. For us, it happened because of liquor, booze. So you have to be beaten to a certain state of mind, body and condition to grasp this program. And you cannot think yourself into right action. You have to act yourself into right thinking. It is action involved. And it takes continuous process. And follow the book to the T. It says we have given you precise, clear-cut directions. Andaza kuch nahi bataya gaya idhar. Nothing is told in ballpark. Very clear. So if you are an alcoholic, then if you say that you need a spiritual experience, and we know what is a spiritual experience is, it is your ideas and emotions and attitudes, they change.
Your ideas and emotions or attitudes is what you are. मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हो जाएगा. Why do I have to take somebody's design of living? Because my design of living is not right. I do not know how to design. So now we know the origin of these 12 steps. And we know what is the result of these 12 steps, the spiritual experience. And we also know the spiritual experience is nothing but a change in your attitude, emotions and ideas. And we know who is an alcoholic. And if you take the book chapter to the agnostic, on the right hand side if you see, the second para it says, the main purpose of this book is to enable you find your power. When this book says God can help you, it is not only saying God can help you, it is also telling where to find God. And the chapter is called We Agnostic. Alcoholic Anonymous के अंदर बहुत लोग प्रीस्ट आया. सो एक प्रीस्ट था, वो वेटिकन में 30 साल पोप के साथ था. अल्कोहलिक है वो, तो न्यूयॉर्क आया, उसका स्पॉन्सर मिला एक प्लम्बर है. और वो प्लम्बर बोलता है चैप्टर टू द एग्नोस्टिक पढ़ो. वो प्रीस्ट बोलते है मेरे को फिलोसफी में 3 डॉक्टरेट है भाई, और मैं वेटिकन में काम किया, तो अल्कोहलिक ही नहीं है. वो बोलता है अल्कोहलिक को, और चैप्टर टू द एग्नोस्टिक में क्या लिखा है, वी एग्नोस्टिक. इट सेज दैट इफ यू आर एन अल्कोहलिक, यू आर एन एग्नोस्टिक. And who is an agnostic? A person who knows there is a God, but says it is difficult to prove. हमारा केस है, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, बट भगवान को हमारा डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. वो गेस्ट अपीयरेंस है, वो जब चाहिए बुलाने का, दर्शन दे के जाने का, बस वो हवा में किधर बैठा है. तो जितना दूर बैठा भगवान को हमारा कनेक्शन कैसे हो सकता है. द 11th step says sort through prayer and meditation improve our conscious contact with God. Conscious contact means like can feel, touch somebody. A physical contact is called a conscious contact. तो हम क्या करते हैं, भगवान को पूजा करके पूजा रूम में छोड़ के चला जाता है. उसका अगरबत्ती जलाया, फ्लावर्स रखा, चला गया अपने. बुक बोल रहे साथ में लेके जाना, किधर भी जा रहे साथ में लेके आओ. And I truly believe that God keeps us sober. God is keeping me sober so that I can do something in and around A. It is not the other way around. I am doing something in and around A. That is because I am sober. No. God keeps me sober. That is the reason I am able to do something. So the book is asking you certain specific questions. We cannot duck the issue of God. Either God is everything or nothing. What is going to be our choice? So the book is asking you to make a choice. What is your choice going to be? Because every step you have to clear off your old ideas. Sab step mein har ek purana idea bhul ke jaane ka, naya idea aane ka. So it is asking, हमारा चॉइस क्या है अभी, विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे. बुक में बहुत अच्छा लिखता है, टिल नाउ वी वॉक्ड ऑन द रीजन ऑफ ब्रिज, ब्रिज ऑफ रीजन, मतलब हमारा सोच का ब्रिज के ऊपर चला के आया. उस साइड फेथ का शोर है, सब लोग बुला रहे आ जाओ इधर, अच्छा है, बट लास्ट स्टेप नहीं रख सकते है, ताकि रीजन और फेथ का फर्क है, और ब्रिज उधर खत्म हो जाता है. मेरा रीजन का ब्रिज खत्म हो गया, फेथ का ब्रिज चल रहा है, बट मेरे को नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है हवा में पैर रखने का, गिर जाऊं मैं. सो दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ इज व्हाट वी हैव टू टेक इन AA. वी डोंट टेक देम, हम AA में नहीं लेते वो स्टेप. दारू पीछे से धक्का मारता है, तो हमने जो भी करने का करता हूं. नया मेंबर को पूछो, करेगा करता हूं सर, हां करता हूं.
एक महीने के बाद उसका थोड़ा सब ठीक हो गया। डेली मीटिंग आने का क्या, ये भी करने का क्या, स्पॉन्सर लेने का क्या, क्या है वो रिकवरी के साथ साथ उसका पुराना सोच वापस आ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। रिकवरी इटसेल्फ इज डेंजरस इफ यू रिकवर ओनली फिजिकली। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस विच रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल सोल्यूशन, नॉट अ क्लिनिकल सोल्यूशन। इफ इट इज अ क्लिनिकल सोल्यूशन देन साइकेट्रिस्ट कैन हेल्प अस, if it is a physical solution then doctors can help us, if it is a religious problem religious people can help us, all three cannot help us, and we are in a grip of a disease which is fatal by nature, it is killing people in the lakhs, millions. Theek hai marne do but jaan tak jee rahe wo bhi takleef hai, और लास्ट स्टेजेस में इसका जीना इतना तकलीफ हो जाता है मतलब बेटर है। सो द ऑरिजिन ऑफ द स्टेप्स, बिकॉज दिस इज अ 12 स्टेप वर्कशॉप, द ऑरिजिन ऑफ द स्टेप बैकग्राउंड आई गेव इज बिकॉज वी डोंट हैव टू अस्यूम दिस 12 स्टेप्स हैव कम फ्रॉम दिस बिग बुक, दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस and they are a universal solution, that is why Al-Anons are also using the same, but an Al-Anons can have one or two drinks, that is what many of us want to do also, steps bhi karo wo bhi karo nahi ho rahe, because it is an answer to a problem, to a solution to a problem. For an Al-Anon, alcoholic is a problem, for an alcoholic alcohol is a problem. So if it is working for everybody, that means it is universal. What is universal by nature is always spiritual. So the book is talking about a power, the power which you and I do not know, which we can ko samajh bhi nahi aata hai, mera samajh ki bahar hai, but wo book kya bol raha hai, ye samajhne ka koshish mat karo. Aapko chai banana nahi aata hai, main bolte jata hu, karte jana. एक वैसे ले लो, गैस के ऊपर रखो, जलाओ उसको, पानी डालो, ये करो वो करो, ये लो चाय बन गया। दैट इज एग्जैक्टली दिस इज, यू डोंट वंस हैविंग डन द टी हाउ टू मेक इट, यू कैन टीच समवन हाउ टू मेक इट। सो एवरीथिंग इज एन एक्शन इन दिस, देयर इज नथिंग टू स्पिरिचुअलिटी, मतलब बुद्धा जैसे ऐसे बैठ के ध्यान करने का वो नहीं है। So basically the solution for our alcoholism has got nothing with stopping alcohol. दारू बंद किया तो हमारा problem बंद नहीं होता है, ताकि हमारा problem has got nothing to do with alcohol. It has got to do with our thinking. I think we will take a break.